बाबा महाकाल की सवारी की तैयारियां संपूर्ण रूप से पूर्ण साज सज्जा के साथ पूरा शहर आज सावन में पहले सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी के लिए तैयार हुआ। श्रद्धालु आज सुबह से ही बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए आने लगे हैं और इसी के साथ प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां और सुरक्षा बढ़ा दी है। सावन का पूरा माह शिव जी की आराधना का होता है और इस पूरे एक माह में लाखों की तादाद बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आती है। आज भी सुबह 8 बजे पूर्व सीएम उमा भारती ने बाबा महाकाल के दर्शन कर भोपाल रवाना हो गई। 11 बजे शिवराज सिंह चौहान सीएम भी बाबा के दरबार में आए और दर्शन किए। महाकाल मंदिर की सुरक्षा के विषय में जानकारी ली, मीडिया से चर्चा की। कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी, सीएसपी, एनएसपी, एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, पूर्व मंत्री पारस जैन, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद व प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, पुष्पा चौहान, परेश कुलकर्णी, करण परमार, जीतेन राव, कोमल बीरवे मौजूद थे। बाबा महाकाल की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली गई। चारों तरफ से भारी भीड़ बाबा महाकाल की एक झलक देखने के लिए रोड के दोनों साइड खड़ी थी। बाबा महाकाल की सवारी मंदिर प्रांगण से निकलते गुदरी चौराहा होती हुई गोपाल मंदिर से रामघाट नदी पर पहुंची, जहाँ सवारी का पूजन अर्चन कर वापस महाकाल मंदिर की तरफ रवाना हो गई। किस तरीके से दर्शन किए सर आपने, क्या मनोकामना मांगी? एक तो महाकाल महाराज की कृपा पूरे प्रदेश पर रहे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अभी उनकी कृपा से मध्य प्रदेश में कोरोना पर के संक्रमण पर नियंत्रण है, कोरोना समाप्त हो, सुवृष्टि हो, ना अतिवृष्टि हो, ना कम वृष्टि हो, सुवर्षा हो, सुवृष्टि हो और जनता आनंदित और प्रसन्न रहे और ठीक ढंग से जनता की बेहतर सेवा हम लोग कर सकें, सबके कल्याण के काम हो, यही प्रार्थना उनके चरणों में की है।